स्ट्रोक या लकवा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी इंसान को ये हो जाए तो उसमें कोई क्लॉट कहीं से ब्रेन की नली को ब्लॉक कर देता है, जिसके मारे कुछ पार्ट ब्रेन का डैमेज हो जाता है। अगर इसको हम बहुत जल्दी से नली को खोल दें तो शायद हम डैमेज को रिवर्स कर सकते हैं और मरीज अच्छा हो सकता है। इसके लिए या तो हम लोग एक इंटरवीनस इंजेक्शन देते हैं, टीपीए का क्लॉट बस्टिंग ड्रग होता है ये, पर ये सिर्फ छोटे क्लॉट में काम करता है। जिन मरीजों को बहुत बड़ा क्लॉट होता है उसके लिए हम प्रोसीजर करते हैं जिसको कहते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। इसमें एक स्टेंट रिट्रीवर डिवाइस के द्वारा हम क्लॉट को बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है। एक पेशेंट जिसकी ब्रेन की एक बड़ी नली ब्लॉक हो चुकी है, उसको खोलने के लिए हम लोग पहले एक ट्यूब ले जाते हैं ब्रेन की नली में, जिसको हम गाइडिंग कैथेटर कहते हैं, और फिर एक वायर ले जाते हैं जिससे कि ये जो ब्राउन कलर का क्लॉट है इसको हम क्रॉस कर रहे हैं, और इस वायर के ऊपर हम एक पतली सी ट्यूब ले जाएंगे जिसको कि हम माइक्रो कैथेटर कहते हैं। माइक्रो कैथेटर को बहुत केयरफुली हम लोग रेडियोलॉजी इमेजिंग में देखते देखते ले जाते हैं, और जब वो चला जाता है तो फिर हम इस वायर को बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी कैथेटर के थ्रू हम लोग स्टेंट रिट्रीवर डिवाइस सॉलिटेयर को डालेंगे। सॉलिड डिवाइस को पुश किया जाता है बाहर से, और फिर उसको जब ठीक जगह पहुंच जाता है वो, तो हम कैथेटर को विड्रॉ कर लेंगे और स्टेंट को उस जगह रख करके ताकि वो डिलीवर हो जाएगा क्लॉट के अंदर। जैसे ही स्टेंट डलता है तो खून का फ्लो चालू हो जाता है क्योंकि उसने क्लॉट को एक तरफ को पुश कर दिया है। उसको हम थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे ताकि वो क्लॉट के अंदर सिंक कर जाए और हम दोनों को खींच के बॉडी के बाहर निकाल सके। थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद ये गुब्बारा फुलाया जाता है बैलून गाइडिंग का, और फिर स्टेंट और क्लॉट को दोनों को बॉडी के बाहर खींच लिया जाता है। इससे ब्रेन का दोबारा से खून शुरू होने से ब्रेन का फंक्शन नॉर्मल हो सकता है।